राजा राम की जय हो गाइस सबको। आज सुबह सुबह हम आ चुके हैं ग्राउंड में। आज का ग्राउंड का मैटर रहेगा बाबा है। दो दिन अखाड़े में कर ली और बाकी सब ग्राउंड में। सप्ते में एक दिन दो दिन तो अखाड़े की अखाड़ा जरूरी है ना थोड़ी, क्योंकि इसमें बाबा को आराम मिल जाता है। आराम वाली नहीं वहाँ पे करिए आराम। वो थोड़ा सा थक गया था इसलिए मैं बोला था कि चलो खड़े आ जाओ। अरे यार आराम से। कल का तो दिन बहुत अजीब था यार, जा करके वीडियो देख लो भाई, बहुत खतरनाक था कल का दिन सच में। हेडक कितना ज़्यादा हो गया था मैं बता नहीं सकता। और गेहूं बीनना घर पे आप भी बंद कर देना, चलो आप देखना वीडियो जा करके। गेहूँ नहीं बीन सकता कोई बीन छना, वीडियो जा कर देखना, एक्सरसाइज कर लेते। ये सब करने के बाद में हम अपनी एक्सरसाइज करने की प्लानिंग कर लेते हैं, मतलब कि अपना वार्म अप कर रहे होते हैं। वार्म अप करते करते बाबा 3008 बोलते हैं आज का चैलेंज कुछ हम डिफरेंट तरीके से ले ले तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कि बाबा का डिफरेंट तरीका बहुत अलग है भाई। देखो गाइस, हमने चैलेंज दिया है रनिंग का, अब हम रनिंग कर रहे हैं। बाबा को फ़ोन किया मैंने कल, बाबा क्या सीन है, नेक्स्ट वीडियो कैसी बननी चाहिए। दो थोड़ी देर बातचीत करने के बाद में 8:30 बजे घर वालों को बोल रहा चलो चलो बिस्तर लगाओ सोना है। अरे भाई थोड़ा सा टाइम तो जाने दे, इतनी जल्दी खरीद सकती है। अरे यार दूसरा भाई साहब, 24 तारीख को मेरी सासू माँ को जाना है तो मैंने पूछा, मैंने बस बुक कर दी भाई देवास से सागर के लिए। अब मैंने बोला बाबा सुबह 9 बजे देवास की बस बता, बाबा ने बोला बस बंद है। मैंने जा कर के घर पर बोल दिया, मेरे साथ सुमा बोल रही है अपने दोस्तों से पहले पूछना चाहिए ना, बस चलेंगे निकलेंगे बाद में बुक करते। मोम खा मैं क्या करूं बाबा, मैंने तो जाके बोल दिया। अब पता क्या बोल रहे हैं, देख लो देवास तक की कार बुक कर दो, नहीं तो फिर भाई कैंसिल कर दो। और 3000 रुपये की बस बुक हो रखी है और भाई साहब कैंसिल कर दी तो पैसे रिटर्न नहीं होंगे, रिटर्न नहीं होंगे, नहीं होंगे। आने जाने की बस बुक कर रखी है, नो कैंसिलेशन फीस। अरे यार बस बाबा तेरी वजह से आधा ग्राउंड हो गया, 3 ग्राउंड लगा करके एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। दिख नहीं दिख रहा है वो तो, ये ले स्टार्ट। तो भाई साहब हमने आज एक 3 रनिंग के चैलेंज कंप्लीट कर लिए, उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करी हमने। डीप्स का प्रोग्राम बन गया था, मतलब मन बन गया था, डीप सिप्स लगा लिया हमने। और अब हम लोकेश भैया के साथ सूरज की रोशनी में निकल चुके हैं। सूरज की रोशनी अच्छा फिर थोड़ा सा वो कौन सा विटामिन मिलता है उससे, सूरज डी विटामिन ले रही है। तो डी विटामिन लेते लेते हमको एक आइडिया आया कि मुख्यमंत्री की वो एक ममता बनर्जी, हाँ मुख्यमंत्री की दौड़ में एक ममता बनर्जी थी, मतलब वो मुख्यमंत्री थी ज़्यादा नहीं, तो उसका माथे पे चोट लग गई। तो मैंने सोचा कि अरे माथे पे चोट लगी खून निकल गई, मर तो नहीं गया। तो एक वो था सरपंच जी तो चल दिए, अब गांव की भागदौड़ कौन संभालेगा, ऐसा हो गया उसके साथ। संभालेगी तो जल्दी नहीं, उनको लग चुका है, उनको चोट लग गई भाई साहब, वो देख रहेगा। बट दूसरी तरफ वन नेशन वन पोल का एक ऐसा प्रावधान लेकर आई है केंद्र सरकार, ताकि 2029 में एक बार में 100 दिन के अंदर अंदर लोकसभा राज्यसभा और ये नगर पालिका वगैरह सबके चुनाव कंप्लीट हो जाए, जिससे है ना हजारों करोड़ों का खर्च है वो नहीं हो पाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा और काफ़ी सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं बाबा। किसका? ये वन पोल वन नेशन का, कि भाई साहब सरकार चाहती कि सारे पूरे देश में कहीं अलग हर टाइम कुछ ना कुछ इलेक्शन होते ही रहते हैं, तो सरकार चाहती कि वो इलेक्शन ना हो और है ना वन पोल वन नेशन हो जाए, जिससे क्या रहेगा कि जो भी खर्चा होगा एक बार में हो जाएगा, सारा देश अस्त व्यस्त नहीं रहेगा, एक बार में सारी चीज़ें हो जाए। 2029 में प्रावधान लेकर आने वाले, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे, कुछ लोग समर्थक हैं। आप क्या करना चाहते हो? मतलब जैसे कि वन पोल, जैसे जो ममता बनर्जी है उनको चोट लगी है वो इसी वजह से लगी है, इसी वजह से। हाँ वो विरोध कर रही थी, उसको किसी ने मार दिया यार, वो तो उसको घर पे लगी थी। अरे घर पे लगी थी क्या? चलो ठीक है, तो गलती होगी मेरे से, तो ये बता तू, तू ये बता वन पोल और वन नेशन को समझना पड़ेगा, मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब चुनाव सभी एक देश में एक ही बार हो? हाँ ये बोल रहे हैं, देखिए जैसे अभी एक बार हरियाणा में चल रहा है, एक बार नगर पालिका के हो रहे, एक बार सरपंच के हो रहे, एक बार किसी के हो रहे, एक बार किसी के हो रहे, उन सबको 100 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना,
फर्स्ट चरण में इसके कर दो, सेकंड चरण में इसके, थर्ड चरण में इसके, फोर्थ चरण में इसमें क्या रहेगा, हाँ। जो टीचर्स वगैरह हैं कुछ भी हैं वो काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, हाँ सही है। सारा स्टाफ बिजी रहता है, बार बार आचार संहिता लगती रहती है देश के अंदर, हाँ, वो खत्म हो जाएगी। आचार संहिता सबसे बड़ी, आचार संहिता में क्या है, बेचारा कोई जेल में गया केसेस में छोटे छोटे मारकूट, आचार संहिता लग के 3 महीने उसको बेचारा को जेल में निकालनी पड़ेगी, तो फिर जमानत हो जाएगी। वो छोड़ो आप जेल में जाने तो सड़क हो, बट तू ये बता वन पोल वन नेशन होना चाहिए नहीं, जो विरोध में या समर्थक है, सही है सही है, तो समर्थक है बाबा, समर्थक है तो आप भी वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो और वीडियो को भी शेयर कर दो, आचार संहिता से बचा जा सकता है, अपन खुल के हजारों करोड़ रुपए भी तो खर्च बच जाएंगे। चलो गाइस, करोड़ों तो खैर अपने से निकालेंगे, वो अभी भी तो निकाल रही है। ठीक है, आज हमने भगवत गीता में पढ़ा कि भगवान सूर्य को लाखों वर्ष पूर्व भगवत गीता का ज्ञान दिया गया था, जिसने भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए, अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों को सावधान रहना चाहिए जो आत्म श्लाघावश अन्य के वास्तविक पथ से विपथ करते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और कार्यकलाप दिव्य हैं, जो इसे समझता है वह भगवद गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। और आज इस प्रकार से हमारा दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत का चतुर्थ अध्याय कंप्लीट हुआ। सो गाइस, अब हम खा रहे हैं खाना, मैडम कोलकाता फीवर, आज ड्यूटी नहीं गई मैडम, यहीं पे बैठी हैं और मैं इधर बैठा हूँ शंकर भगवान की जय करते हुए। बट एक चीज़ का काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, कल तो चलो एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया लगभग 25 से 26 हज़ार का था, चलो कोई बात नहीं, बट उससे बड़ा डर पता है क्या है, मेरा जो ओरिजिनल चैनल है ना लोकेश, और उसके ऊपर दो स्ट्राइक आ चुकी हैं, और एक और आ गई तो टर्मिनेट हो जाएगा चैनल, पता है चैनल जिंदगी भर के लिए बंद, गायब यूट्यूब से, एक स्ट्राइक और आ गई तो। और भाई समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसा लग रहा है जैसे वो चैनल अब थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा मेरे को, उस पर शॉर्ट्स डालनी पड़ेंगी या फिर कुछ और छोड़ दो, नया चैनल खोलना पड़ेगा ताकि उस पर और दूसरे अपने टेक्नोलॉजी वाली बड़ी वाली वीडियोस लेकर आएँ, हफ्ते की दो ही बहुत है, इस टाइप से कुछ करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से संकेत है ये भगवान का। अब देखो क्या होगा, रोटी पानी खा लेते हैं, नुकसान तो हो रहा है बट ठीक है, बोला जाता है ना भगवद गीता के अकॉर्डिंग कि जब भी ऐसा समय आता है तो समझ लो भगवान परीक्षा ले रहा है और अपने भक्तों की परीक्षा लेता है, ऐसे हर किसी की थोड़ी ना ले लेता है, तो क्योंकि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है भाई, अच्छा काम बुरा काम क्या पता अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होता है अब देखते हैं भाई क्या होगा, चैनल टर्मिनेट होगा या बचेगा या क्या होगा, चैनल के ऊपर छोड़ देता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि उस पर शॉर्ट्स वगैरह डाल दूँ, अभी कुछ नहीं डालूँ क्योंकि मैं फिर से नहीं चाहता कि उस पर कोई भी स्ट्राइक आए और फिर कुछ गड़बड़ हो, ताकि मेरी इतनी ज़्यादा यादें हैं उस चैनल के ऊपर, इतनी सारी वीडियोज़ हैं, वो पड़ी रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मुझे को क्या करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए या फिर नया चैनल खोल देना चाहिए, बताओ यार कमेंट सेक्शन में। बट रोटी खा लेती हूँ गाइज, ये है मेरा भाई, मेरी भुआजी का लड़का है, इससे लगभग काफ़ी टाइम हो गया मेरे को बात करे हुए, मिले हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 4 साल 5 साल भी हो गए होंगे शायद, काफ़ी दिन बाद बात हुई भाई। सो गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखो भाई साहब, हम जब हम बना रहे हैं पाव भाजी, मैडम वो थोड़ा सा खुश हो सके, ये देखो भाई साहब, ये देखो ओहो गर्मा गर्म ये सब्जी बन चुकी है पाव भाजी वाली, दबाएंगे दबाएंगे मैडम साहब, टेंशन ना लें। अरे ये क्या हो गया, तो ज़्यादा ही दब गया, और ये ऐसे वैसे नहीं बन रही भाई, ये लो ये तो निकाल देता हूँ मैं एक बार, एक दो, अब नई बनाने के लिए मक्खन बनाया है, ये मक्खन इसके ऊपर डलेगा, ये लो भाई, ओहो अब इस टाइप से इसको सेक दिया जाएगा और फिर हम लास्ट में खाएंगे पाव भाजी, आपको दिखाएंगे कितनी टेस्टी बनी है भाई साहब। चम्मच की क्या जरूरत है, खा लो है खा लो आप, तो खा लो उसके चक्कर मत पड़ो। फाइनली हम आ चुके हैं लेकर के, ये देखो कुछ इस टाइप के बने हैं और टेस्ट करके बताने वाले हैं आपको गर्मा गर्म, इनमें चकुंदर उकुंदर बहुत सारी चीज़ें मक्खन मक्खन डाली गई हैं और अपने हिसाब से आपने ये क्या डाल दिया निकाल लेना, और ये तो तुम डाल,
मजा आ गया भाई साहब टेस्टी बनाया मक्खन का ना वो होला जवाब। आप भी खा लो और कॉमेंट सेक्शन में किसी को पूछना और रेसिपी बता देना, बता दूंगा। चकुंदर के साथ इतना ज़्यादा टेस्ट लग रहा है ना, हेल्दी हेल्दी चीज़ बनी है। तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रेडी घर ने के रहे है हाँ दिख रहा है यो भाई रंग छोड़ रहा है और इसका तो पेट निकल गया इसका तो पेट निकल रहा है पूसी का तो काम तो करता कोई ना और पेट किसका लकड़ेगा मेरा हाल है बेओ मैं सच में स्लिम फिट हूं मैं मैगी मंगले ए देख देख बंदा मगू मैगी ए देख कर संतरा खा लो गाइस। उधर काम चल रहा है, मैंने मेरे मेन वीडियो मेरा मेन चैनल पे वीडियो बना दिए Why I Quit YouTube, तो स्ट्राइक आई है ऐसे कुछ, तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए ये देखो भाई साहब क्यों मैंने छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, अपन ऐसी कोई घबराहट वाली बात नहीं है, ठीक है। भगवान ने मौका दिया है नया और आगे करने का, तो करेंगे जय श्री राम का नाम लेकर के। थोड़ा सा है ये। अरे नहीं पागल हो क्या, इतना भी नहीं पीते हो। मैं ना ना पीना पड़ेगा जल्दी पी। ये मैं नहीं पी सकता, बन गया अब एक गिलास बनाया था ना यार तुम। नहीं मैं नहीं पी सकता, ये जल्दी पियो चलो। भूख नहीं लगेगी ना पास तो बच गई। लो ये थोड़ा सा डलो अब मैं मेरा भी बना लेता हूँ भाई, क्योंकि भूख तो मेरे को भी लगी है। वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद हुई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था यार, पूरा दिन ही मार्केट में गया था तो काम नहीं, मतलब वीडियो नहीं शूट कर पाया। बट अभी काम कर रहा हूँ, ये वीडियो एडिट होने वाली है राइट नाउ, एंड इस वीडियो को एडिट करके आपको पहुँचा दी जाएगी कल। अभी एडिट करूँगा एंड फिर कल अपलोड कर दी जाएगी, सुबह 11 बजे आपके पास आ जाएगी। तो ठीक है यार, जो भी रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद जय श्री राम।